अगर आपका भी अकाउंट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और आप भी सेंट मल एप्लीकेशन से पैसे को ट्रांसफ़र करना सीखना चाहते हैं तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि सेंट्रल बैंक के सेंट मल एप्लीकेशन से आप पैसे को कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगले एक मिनट में मैं समझा दूंगा कि सेंट मल एप्लीकेशन से आप किसी भी अदर बैंक में या किसी भी दूसरे के खाते में आप पैसे को कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सेंट मल एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना। अपडेट करने के बाद यहाँ पे अपना सेंट मल एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद उसके बाद यहाँ पे सेंट मल एप्लीकेशन में यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। और लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सेंट मल एप्लीकेशन में यहाँ पे ऊपर दिख जाएगा आपको फंड ट्रांसफ़र का, तो फंड ट्रांसफ़र वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अगर नहीं शो करता है तो आपको नीचे आ जाना। और नीचे आने के बाद यहाँ पे पेमेंट वाले सेक्शन में जैसा देख पा रहे हैं फंड ट्रांसफ़र का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो फंड ट्रांसफ़र वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना सबसे ऊपर यहाँ पे अकाउंट नंबर आपको सेलेक्ट कर लेना है खुद के बैंक का। उसके बाद यहाँ पे तीन ऑप्शन देखने को मिल जाता है, सेल्फ अकाउंट, विद इन अ बैंक अकाउंट, उसके बाद अदर बैंक। तो यहाँ पे सेल्फ अकाउंट मतलब खुद के अकाउंट में पैसा यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे विद इन मतलब एक शेड्यूल सेट कर सकते हैं कि किस डेट में आपको पैसा सेंड करना है, तो ऑटोमेटिक वो सेंड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको शेड्यूल सेट कर लेना है, शेड्यूल सेट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे अदर बैंक अकाउंट पे आपको क्लिक कर देना है। अदर बैंक अकाउंट पे क्लिक करने वाले यहाँ पे किसी भी दूसरे खाते में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो यहाँ पे अदर बैंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बेनिफिशियरी ऐड किए हैं तो बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर बेनिफिशियरी नहीं ऐड है तो यहाँ पे क्यूक पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद से यहाँ पे खाता धारक यानी अकाउंट होल्डर का यहाँ पे नाम टाइप कर देना है, जो भी जिस भी खाते में आप पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर टाइप कर लेना है, पासबुक पे रहता है। उसके बाद अकाउंट नंबर टाइप कर लेना है। अकाउंट नंबर टाइप करने के बाद उसी अकाउंट नंबर को फिर से यहाँ पे रिकन्फर्म कर देना है, री इंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट टाइप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है कि आपका सेविंग है, करंट अकाउंट है, जो भी हो। उसके बाद यहाँ पे IFSC कोड जो पासबुक पर लिखा रहता है यहाँ पे IFSC कोड यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप कितना पैसा यहाँ पे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उस अमाउंट के यहाँ पे इंटर कर लेना है, उस अमाउंट को एंटर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे रिमार्क यहाँ पे दे देना है कि आप पैसा किस लिए भेजना चाहते हैं। यहाँ पे रेंट वगैरह बहुत सारा ऑप्शन रहता है, तो यहाँ पे कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद से TPIN यहाँ पे ट्रांजेक्शन पिन यहाँ पे दे देना है और सब यहाँ पे फिलअप करने के बाद यहाँ पे ट्रांजेक्शन पिन वगैरह फिलअप करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सारा डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा कि किस बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, किसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं और किससे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, अमाउंट कितना वगैरह है, सब यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद से जैसे ही कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका सेंट मल एप्लीकेशन से पैसा उस अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस तरह से आप सेंट मल एप्लीकेशन में से पैसे को ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।